हिमाचल में मौसम ने करवट ली है। भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी के बीच पहाड़ों पर दो दिनों से रुक रुक कर हिमपात का दौर शुरू जारी है। पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ली है। बर्फ से ढकी चोटियों और मैदानों में हो रही बारिश से पूरे प्रदेश में शीतलहर है। लाहौल घाटी मनाली में ताजा हिमपात हुआ है। केलांग में 1.5, गौशाल में 2, चंद्रा वैली में करीब 3 फुट तक बर्फ गिरी है, जबकि रोहतांग में लगभग 4.5 फुट हिमपात होने का अनुमान है। तीसा के देवी कोठी में 1 फुट तक ताजा बर्फबारी हुई है। भरमौर में भी 1 फुट के करीब ताजा हिमपात हुआ है। होली में निचले क्षेत्र में 2 से 4 इंच और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 0.5 से 1 फुट बर्फबारी हुई है। उधर बर्फबारी के चलते रोहतांग और जलोड़ी दर्रे बंद हो गए हैं। खतरे के मद्देनजर प्रशासन ने आवाजाही पर रोक लगा दी है। चंबा का पांगी और कांगड़ा का बड़ा भंगाल क्षेत्र भी कट गया है। जलोड़ी पास में 1 फुट ताजा बर्फबारी हुई है। वहीं मनाली में सीजन का पहला हिमपात हुआ है। इससे होटल कारोबारियों और स्थानीय लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेने के लिए मनाली का रुख कर रहे हैं। जिला कुल्लू में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सोलंग नाला में भी भारी बर्फबारी हुई है। मनाली के सोलंग नाला में 2 फुट, मढ़ी में 3 फुट बर्फबारी हुई है। यहाँ पर्यटन बर्फबारी का आनंद लेते हुए देखे जा सकते हैं। बर्फबारी से जहां होटल कारोबारी खुश है, वहीं कमरूनाग शिकारी देवी में भारी बर्फबारी दर्ज की गई है। बर्फबारी से कामरू घाटी में बिजली आपूर्ति ठप है। पूरा जिला शीतलहर की चपेट में है। बर्फबारी से देव समाज में खुशी की लहर है। किसान बागवान के चेहरे खिल उठे हैं। मंडी के ग्राहक हुसैनी तुंगा सिद्धार और घाट में भी ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है। धर्मशाला में धौलाधार का पहाड़ बर्फ से ढक गया है। बड़ा भंगाल में बर्फबारी हुई है।